नमस्कार, स्वागत है आपका जीरा स्थान में। मैं आपके साथ दीपक कुमार। हम अयोध्या आए हैं। अयोध्या में लोग रामलला के दर्शन कर रहे हैं। रामलला कल विराजमान होंगे, इसको लेकर पूरे देश में खुशी है। लेकिन इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये बहुत ही गुप्त मंदिर है, लोग इसके बारे में कम जानते हैं। तो आइए यहां के पंडित जी से जानेंगे कि यहां का इतिहास क्या है और ये इतना गुप्त मंदिर क्यों है। पंडित जी नमस्कार, राम राम। क्या नाम है आपका? जय श्री राम, पुजारी अमुकदास। इस मंदिर का क्या इतिहास है? जो हमारे पीछे मंदिर है, कहते हैं कि बहुत पुराना मंदिर है। जब रामलला यहाँ पे आए भी नहीं थे, अयोध्या में उनका जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय से पुराना मंदिर है ये। तो इसका क्या इतिहास है? इसका इतिहास जो है, इसमें गुप्तहरी जी हैं और चक्रहरी जी, इनका महात्मा जो है स्कंद पुराण में इसका है। यह स्थान जो है सतयुग का स्थान है, राम जी से पहले का। सतयुग का है। इसमें सतयुग में जब जो है देवासु संग्राम होता है, देवताओं राक्षसों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। सभी जो है राक्षस जो है बर पाने के उद्मत से जो है सभी देवताओं के ऊपर आक्रमण जब कर दिए, तो उस युद्ध में सभी देवता हार गए थे। उनका स्वर्ग जो है राजपाट सभी राक्षस ले लिए। उसके बाद सभी देवता जो इधर उधर सब लोग जब भागने लगे, तो भगवान शंकर जी जो है सभी देवताओं का अगुआ बनकर जो खड़े हुए और उनको सभी देवताओं को ले जाकर जो है भगवान शंकर जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के से कहे कि आप जो है इन सभी का जो है राजपाट कैसे मिले, इसके लिए हम सब जो है जाकर भगवान विष्णु जी के पास चले। तो सभी लोग जो है ब्रह्मा जी, शंकर जी, सभी देवता जो है भगवान विष्णु जी के पास जब गए, तो वहाँ पर भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में थे। तो सभी देवता जब भगवान की स्तुति की, तब भगवान विष्णु अपना नेत्र खोले। नेत्र खोलने पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अपने योग से जान गया हूँ, आप लोग यहाँ क्यों आए? क्योंकि आप सबका राजपाट स्वर्गात जो है चला गया है, आप सब जो है बलहीन हो गए हैं, तेजहीन हो गए थे, इसलिए आप सबका राजपाट स्वर्ग आज सब जो है चला गया था। स्वर्ग आज राजपाट पाने के लिए आप सब जो है मृत्युलोक अयोध्या क्षेत्र में आप सभी जो है गुप्त रूप से तपस्या करें। उसके बाद भगवान विष्णु कहा कि मैं भी तप करूँगा, मेरे तप के प्रभाव से जो आप सभी को देवताओं को जो बल मिलेगा, तभी आप जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु जो है जब वैकुंठ धाम से अंतर ध्यान हुए, जब यहाँ पर भगवान विष्णु जो है चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। नीचे भगवान विष्णु जो है गुप्त रूप से तप करने लगे। तप करने से पहले उनका सुदर्शन चक्र जो है हाथ से छूट कर गिर गया था। उसके बाद नीचे भगवान विष्णु जो है गुप्त रूप से तप कर रहे थे। तप करते हुए जब बहुत दिन बीता, तो भगवान के प्रभाव से सभी देवताओं को अपार बल हुआ, अपार तेज हुआ। पुनः जब फिर युद्ध किए, उस युद्ध में जो है सभी देवताओं को विजय हुआ, अपना स्वर्ग जो है राजपाट सभी देवता पा गए। उसके बाद जो है सभी देवता राज पाने के बाद अपने गुरु बृहस्पति जी को आगे करके कि चलो भगवान का धन्यवाद दें, क्योंकि उनके बताए हुए हमको जो है राजपाट मिला है। सभी देवता जब यहाँ पर आए, तो भगवान की स्तुति की, तब भगवान विष्णु जो प्रकट हुए। सभी देवता भगवान से कहेगा प्रभु आपके बताए हुए हमको जो है राजपाट मिल गया है। इस पर भगवान विष्णु जो है प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवता, मैं आप सबके लिए और मैं क्या कर सकते हैं, हमसे आप कोई वर चाहते हैं तो आप वर दें, वर हम आपको देना चाहते हैं। सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु हम सबके रक्षा के लिए बल वृद्धि के लिए आप जो है यहाँ पर जो है गुप्त रूप से यहाँ निवास करें। इस पर भगवान विष्णु कहा कि तथास्तु, तभी भगवान विष्णु यहाँ गुप्त रूप से निवास करते हैं। भगवान विष्णु जो है देवताओं से कहा कि हे देवताओं, जिस जगह मेरा सुदर्शन चक्र जो गिर गया था, वह जो है चक्रहरी पीठ के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो हमने यहाँ गुप्त रूप से तप किया है, यह गुप्तहरी जी के नाम से प्रसिद्ध होगा। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी शरीर में स्नान करके गुप्तहरी चक्रहरी जी का जो भी पूजा पाठ करेगा, उसको मनमांचित फल मिलेगा। और नीचे चरण पादुका है श्री राम जी की, और ये मंदिर जो है श्री राम से पहले का, यानी सतयुग का है। राम जी आए थे त्रेता युग में। जो नीचे जो चरण पादुका रखी है, उनका इतिहास क्या है? वो यहाँ से कहते हैं कि श्री राम जब वैकुंठ जा रहे थे, विष्णु भगवान के जो अवतार श्री राम वैकुंठ गए, तो यहीं से गए थे जी। इसमें जो है वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है, क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु यहाँ तप किए थे। तप किए थे गुप्तहरी जी हैं, और जो चक्र गिरा था चक्रहरी जी। स्कंद पुराण में लिखा है जब भगवान राम प्रजा से थे, यहाँ पर गोप्रतार पर आए थे, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान राम एक उत्तम स्थान पर गए थे, क्योंकि भगवान विष्णु जो है यहाँ पहले ही तप किए थे। तो उत्तम स्थान गोप्रतार घाट का, यहाँ यही गुप्तहरी जी हैं, यहीं से भगवान राम जो है कमर भर सभी जन्म करे थे। ब्रह्मा जी कहे कि हे प्रभु, आप जो है आपका स्वागत है, आप वैकुंठ धाम को पधारे। आप जो है चराचर के स्वामी हैं, आप जिस स्वरूप में प्रवेश करना चाहें, आप उस स्वरूप में जो है प्रवेश करें। उसके बाद जो है भगवान ब्रह्मा जी कहे कि प्रभु, आप जो है वैष्णव स्वरूप में यदि प्रवेश करना चाहते हैं, तो आप जो वैष्णव स्वरूप में ही प्रवेश करें। राम जी अपने भाइयों के साथ भरत शत्रुघ्न ऐसा शरीर वैष्णव स्वरूप में प्रवेश कर गए थे। उसके बाद जो है राम जी ब्रह्मा जी से कहे कि हे ब्रह्मदेव, ये जितने अयोध्या वासियाँ हैं, ये हमारे भक्त हैं,
अपना राजपास सुख सब समृद्धि सब कुछ छोड़कर सब कुछ त्याग कर मेरे पीछे पीछे हैं। इनको लिए बिना हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे। आप इनको कहीं रहने का स्थान दें। ब्रह्मा जी कहा प्रभु जो जो देवताओं से जिनकी उत्पत्ति हुई है वो सब अपने अपने अंश में विलीन हो जाएंगे। उसके बाद जो जो ऐसे हैं उनको जो हम अपने ब्रह्म लोक ऊपर हुए संतानों के लोग हैं उस लोक में जो हम सभी को रहने का स्थान दिए। अयोध्या में कोई जीव बचा नहीं था। अणु से अणु तक एकदम योजना दिखाई देने तक वहाँ तक सभी जो है आगे थे। पशु पक्षी तक पर्वत जंगम स्थावर सभी जीव सब लोग यहाँ पर आ गए थे। उसके बाद सभी लोग अयोध्या सरजू में जो है भगवान का राम जी का चिंतन करते हैं उनका जो है नाम लेते हुए उसके बाद सरजू में प्रवेश किए और शरीर त्यागे दिव्य शरीर हुआ। विमान में बैठे परम धाम को लेकर भगवान राम यहीं से चले गए थे। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मंदिर है लेकिन इसका लुक जो इसका देखने का है वो मंदिर ये सबको लगेगा नहीं है ना पंडित जी। तो ये मंदिर ऐसा दिखता नहीं है लेकिन बहुत ही गुप्त मंदिर है। कहते हैं कि भगवान विष्णु भगवान ने यहाँ पे ही गुप्त रूप से पूजा की थी तब जाके देवताओं को जो है वो शक्तियाँ प्रदान हुई थी ताकि वो असुरों से लड़ सके। तो हम ऐसे ही कुछ रोचक जानकारी के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद।